मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के मानखुर्द रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक महिला अपने बच्चे को लेकर लोकल ट्रेन से नीचे गिर गई। इससे पहले कि महिला और उसका बच्चा अपनी जान गंवा देते, प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ जवान ने बड़ी फुर्ती से बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया, जबकि महिला को एक यात्री ने बचा लिया। जानकारी के मुताबिक ये घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे में हुई है। सुमन सिंह नाम की ये महिला मानखुर्द से कोपर खैराने जाने के लिए लोकल ट्रेन पर चढ़ी थी। ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। जैसे ही लोकल ट्रेन चली, सुमन का पैर फिसल गया और ये गिर गई। प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि जैसे ही सुमन गिरी, वहाँ मौजूद आरपीएफ जवान अक्षय सोए तेजी से सुमन के हाथ से बच्चे को लेकर बचा लेता है और सुमन अभी प्लेटफॉर्म और लोकल ट्रेन के बीच में रह जाती है। मगर तभी एक यात्री ने हिम्मत दिखाते हुए सुमन को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। इस तरह आरपीएफ और यात्री की सूझबूझ से मां बच्चे की जान बच गई। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन का इस्तेमाल यात्री अपनी मंजिल पर जल्द पहुंचने के लिए करते हैं। ऐसे में जल्दबाजी के चक्कर में कुछ यात्री अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, जिसके चलते कई बार यात्री हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में यात्रियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए चलती लोकल ट्रेन में ना तो चढ़ना उतरना चाहिए और न ही अधिक भीड़ होने पर उस बोगी में चढ़ना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है।